देखिए, मुझे सुबह एक घंटा पहले फ़ोन आया था, एक मेहुल कोई है बीवीपी का, वो कह रहा था हमारी कुछ मांगे हैं और उसके लिए एक मांग पत्र देना है शांतिपूर्ण, और वो कह रहा था कि हम दो तीन लोग आएंगे आपको मांग पत्र दे देंगे। अब MDSU की परीक्षा चल रही है, मैंने उसको बोला था कि कोई भी दंगा या कोई भी आप शोर शराबा नहीं करेंगे, ये नियमों के अनुकूल नहीं होगा, आप मेरे पास आकर मांग पत्र दे देना। अभी मैं राउंड पे था और ये पीछे से आए लड़के, कम से कम 100-150 लड़का था इनके साथ, और चलती हुई परीक्षा हमारे हॉल में थी और हमारे ऑफिस के बाहर आकर ये इन्होंने ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी और जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया। और जब मैं ऑफिस में आया तो मेरे आने से पहले ही इन्होंने दबाव डालकर मेरे जो गेट कीपर था उससे इन्होंने गेट खुलवा दिया, और 70-80 बच्चे मेरे चैम्बर में आकर इकट्ठे हो गए और मेरे सामान से तोड़फोड़ करने लगे। जब मैंने वापस आकर इनको रोका तो मेहुल एक लड़का है और इसके साथ 8-10 लोग हैं जो हमारे कैमरे में कैद हैं, इन्होंने मेरे से आकर बदतमीजी की है और मेरे ऊपर हाथ उठाया है और मेरे गले से पकड़ा है, और इन्होंने एक आपराधिक घटना की है जिसकी सूचना हम तुरंत FIR लॉन्च कराएंगे और पुलिस कमिश्नर तक हम जाकर अपनी मांग रखेंगे। चलती परीक्षा में अगर कोई डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको नियमानुसार निपटा जाएगा, ऐसा जो व्यवहार है हम अपने कॉलेज में चलने नहीं देंगे। जो छात्र आए थे, क्या वो छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं कि बाहर के छात्र? अभी तक जो कोई भी ऐसा छात्र देखा नहीं जो मेरे कॉलेज का हो, वैसे हमारे कैमरे में फुटेज है और मीडिया के लोग भी थे तभी हमारे यहाँ, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग की हुई है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति है या अंदर का व्यक्ति है, किसी को भी इस तरह से कॉलेज में आकर उदंडता करने का कोई हक नहीं है। कांच वांच भी तोड़ा गया? हाँ, मेरा कांच तोड़ा गया, मेरे हाथ पर चोट भी लगी, गाली गलौज किया, मेरे गिरेबान से पकड़ा, और मुझे मेहुल ने खास तौर पर ABVP का ये कोई लड़का है मेहुल, इसने मेरे साथ बदतमीजी की, और एक जोधा नाम का लड़का है, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, जहां तक जाना होगा चलाएंगे। ये शिक्षा का मंदिर है, गुंडागर्दी का गढ़ नहीं है, और कोई मांग पत्र देना होता है उसका एक तरीका होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, इस तरह का व्यवहार हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्रिंसिपल दयानंद कॉलेज।